और चीन की बात करते हैं। चीन ने एक बार फिर समंदर में शक्ति प्रदर्शन किया। साउथ चाइना सी में चीनी सेना के लड़ाकू विमानों की ड्रिल ने चिंता बढ़ा दी है। साम्राज्यवादी चीन समंदर पर अपनी दादागिरी फिर दिखा रहा है। चीनी सेना ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई। इसके लिए चीनी सेना ने साउथ चाइना सी में लड़ाकू विमानों से युद्धाभ्यास किया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने साउथ चाइना सी में लाइव फायर प्रैक्टिस की। चीनी सेना के लड़ाकू बम वर्षक विमानों से इस ड्रिल का आयोजन किया गया। युद्धाभ्यास के दौरान कई तरह के खतरनाक हथियारों को लेकर बम बरसाने वाले लड़ाकू विमानों ने तेज गति से उड़ान भरी। ग्राउंड रडार सर्च और एयर डिफेंस फायर स्ट्राइक से बचने के लिए लड़ाकू विमानों ने अल्ट्रा लो एल्टीट्यूड को अपनाया। चीनी लड़ाकू विमानों ने अपने टारगेट पर सटीक निशाना साधने के लिए समंदर में बमबारी की। पहला हमला करने के बाद लड़ाकू विमान वापस बेस पर लौट आए। उसके बाद ईंधन की आपूर्ति और बम लोड होने के बाद फिर से उड़ान भरी। चीनी मीडिया के मुताबिक साउथ चाइना सी में पीएलए की इस वॉर प्रैक्टिस का मकसद खराब मौसम में भी अपने मिशन को अंजाम देना और खराब हालात में भी अपने पायलटों की क्षमता का टेस्ट करना था। लेकिन जानकार मानते हैं कि साउथ चाइना सी में चीन इस तरह की ड्रिल से दुनिया को बार बार अपना दबदबा दिखाना चाहता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।